नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खरसोदी विद्युत सब स्टेशन पर कार्यरत रामदास सोनकर परीक्षक सहायक ने बताया कि रात 10 बजे टिम्मी सरदार साथियों के साथ सब स्टेशन पर आया और मुझसे बोला हमारे बच्चे गर्मी में मर रहे हैं, लाइट चालू कर दो। तभी हमने कहा ग्रामीण क्षेत्रों को 10 घंटे बिजली दी जाती है, इससे ज्यादा हमको आदेश नहीं है। उसी समय टिम्मी सरदार ने अपने साथियों के साथ मेरे मारपीट कर दी जिससे मैं घायल हो गया। सभी विद्युत कर्मचारी मिलकर थाने पहुंचे, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। चिनोर से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रामदास। आपके साथ किसने मारपीट की है और आप किस पद पे और किस कार्य करते हैं? परीक्षण सहायक संविदा पद पर हैं, ऑपरेटिंग कर रहा था। 10:15 बजे की सप्लाई चालू कर रहा था, ये आए और लात डंडा लेकर के आए तो हमें मारना शुरू कर दिया। सर, घरसोंडी सब स्टेशन में विद्युत विभाग के कर्मचारी से विवाद हुआ है, क्या मामला है? अभी विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारी जो कि घरसोनी सब स्टेशन पर कार्य करते हैं, अभी थाने पे रिपोर्ट करने आए कि कल शाम को जब आंधी तूफान आया था उसके बाद में करीब 9:30 बजे टिम्मा सरदार और उसके कुछ साथी सब स्टेशन पर आए और ज़बरदस्ती लाइट चालू करने को लेकर कहने लगे। तब उनके द्वारा बताया गया कि अभी अधिकारियों के आदेश अनुसार लाइट चालू कर दी जाएगी, लेकिन वो लोग नहीं माने। इससे पूर्व से भी एक दो दिन पहले से वो निरंतर दबाव बनाते रहते हैं उन पर अवैधानिक रूप से लाइट चालू करने का। तब उनके द्वारा समझाया गया लेकिन वो नहीं माने। तब इनके द्वारा भी रिपोर्ट किया गया है कि उन्होंने सब स्टेशन के अंदर घुसाए और गाली गलौज कर वहाँ महंगी गंदी गंदी गालियाँ दी और उनके साथ मारपीट की है और अभी जांच चल रही है, उनको इस संबंध तस्दीक की जा रही है और यदि दोषी पाए जाते हैं अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया जाए।